हेलो गाइस, दिस इज नितिन ढिंगरा। और जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं वो है क्लास 10 का चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपको वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। तो वीडियो पे कमेंट्स कर दिया करो, लाइक कर दिया करो एंड शेयर कर दिया करो। सो ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं। ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है, ये टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं चैप्टर का, फिर हम बढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब, देखो क्या होता है कि एक चीज़ होती है जब वो रिएक्ट करती है तो उससे कोई चीज़ नहीं बनती है, जब कोई चीज़ रिएक्ट करती है तो कोई नई चीज़ बनती है, जो रिएक्ट करती है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो नई चीज़ बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन यही है कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और नया कोई चीज़ बनाएं उसे बोलते हैं प्रोडक्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। सो व्हेनेवर रिएक्टेंट्स आर कंबाइन, जब भी रिएक्टेंट्स जुड़ें और बनाएं क्या प्रोडक्ट, दिस इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। अच्छा, फिर जब हम, अभी तो देखो हमने ऐसे लिखा, और जब हम क्या करें, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है, फॉर एग्जांपल कार्बन के लिए सिंबल रखा है C, ऑक्सीजन के लिए सिंबल रखा है O2। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन, पर क्योंकि हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया C+O2, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन, राइट। तो डिफरेंस आपको पता चल गया है। तो चैप्टर का नाम यही था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन में तो सिंपली चीजें लिख लेते हैं हम, सिंपली का मतलब जैसे आप यहाँ पे देख लो, मैंने क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह की रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, इस तरह की रिएक्शन को बोलूंगा मैं केमिकल रिएक्शन। है तो ये दोनों ही केमिकल रिएक्शन, बट जब किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव, सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को जब आगे बढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज जो कि समझने वाली है वो ये है कि इस यूनिवर्स में दो तरह की प्रोसेसेस को जनरली कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस। और अब पेपर में बहुत बार डिफरेंस पूछ लिया गया है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल प्रोसेस। इस डिफरेंस के साथ साथ आपको इसकी थोड़ी डीप नॉलेज देने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस है और ये प्रोसेस केमिकल प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लो, फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर, जैसे पानी है, ठीक है, पानी से बन गई बर्फ यानी कि आइस। तो जब आइस बनी तो पानी ने अपनी स्टेट चेंज कर ली, यानी कि लिक्विड से वह सॉलिड हो गया, ठीक है। तो जब ऐसे पानी या कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज करता है और अगर आप उसे वापस उस स्टेट में ले आओ, यानी कि आपने आइस को जमाया, बर्फ को जमाया, फिर आप बर्फ से वापस से पानी कन्वर्ट अगर कर रहे हो, ठीक है, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं, जो रिवर्स हो सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। और इसका उल्टा अगर कोई प्रोसेस केमिकल प्रोसेस कब कहलाती है, जब उसका जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल नहीं हो पाए, यानी कि इररिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल जैसे कि समझ लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने जुड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, CO2 बनाया, तो ये रिवर्सिबल बेसिकली हो सकता है। बट क्या है कि क्योंकि इनके अंदर कुछ नया कोई चीज़ बन चुकी है CO2, उसे बोलेंगे केमिकल प्रोसेस। यानी कि फिजिकल प्रोसेस में कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, बट केमिकल प्रोसेस में एक नई चीज़ बनने वाली है। सो केमिकल प्रोसेस में नई चीज़ भी बनेगी, केमिकल प्रोसेस इररिवर्सिबल भी होगी, ठीक है। और ये दो है, दोनों में डिफरेंस है। तो डिफरेंस मैंने लिख भी दिए हैं, हम पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल प्रोसेस में क्या है, ये रिवर्सिबल होती है,
और इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है, और वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस एट इंटरमोलिक्यूलर लेवल, बहुत छोटे छोटे जो सब्सटेंस के कोई सबसे छोटे पार्ट होते हैं जिसे हम एटम्स या मोलिक्यूल कहते हैं, मोलिक्यूल लेवल पे थोड़े वो चेंजेस आते हैं, ठीक है, यानी कि एटम लेवल पे चेंजेस नहीं आते हैं। डिफरेंस याद रखना, जब एटम लेवल पे चेंजेस आए और वो एटम्स क्या करें, नए नए बॉन्ड बनाने लगे, नए नए बॉन्ड बनाने लगे का मतलब किसी और एलिमेंट से जुड़ने लगे, तब जो प्रोसेस होती है वो होती है केमिकल प्रोसेस। सो केमिकल प्रोसेस को आप देखो, केमिकल प्रोसेस इरिवर्सिबल है, न्यू कंपाउंड्स भी बनते हैं, और कहाँ कहाँ पे चेंजेस एट एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल पे चेंजेस आएंगे, और इसमें क्या है, नए नए बॉन्ड बनने के कारण नए नए सब्सटेंसेस भी बनते हैं। सो फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस मैंने आपको बता दिए, कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस मेल्ट होती है, ठीक है, तो आइस के मेल्ट होने पर क्या होता है, आपको पता ही है कि जो है बर्फ़ से पानी बन रहा है, ठीक है, स्टेट ज़रूर चेंज हो रही है, बट स्टेट चेंज होने के बावजूद है वो पानी का ही, यानी कि उसके एटमिक लेवल पे कोई चेंजेस नहीं आया है, मॉलिक्यूल्स उसके चेंज हो गए हैं, पहले मॉलिक्यूल्स उसके कुछ और हो गए थे, अब कुछ और हो गए हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस आया है। बट अगर एटम लेवल पे चेंज आ जाता तो ये केमिकल प्रोसेस होता। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन को जंग लग जाती है तो उसमें नया एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, यानी कि आयरन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और एक नया कुछ नई कुछ बना लेते हैं जिसे हम रस्ट कह रहे हैं। वो जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, वो जंग लग जाती है आयरन को, उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो नया कंपाउंड बन रहा है, कुछ नया बन रहा है ना, तो देयरफॉर ये है केमिकल प्रोसेस। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल लिया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हाँ, ये पेपर में एक दो बार पूछ भी चुके हैं कि जब मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन की फॉर्म में तो वो कैसी फ्लेम्स देता है, कैसी वो आग निकालता है, तो वो आग निकालता है वाइट फ्लेम, ये आपने याद रख लेना, तो वाइट कलर की फ्लेम्स उसके अंदर निकल रही होती हैं जब मैग्नीशियम जल रहा होता है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, यहाँ पे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, मैग्नीशियम भी रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है। जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को लिख रहे हैं, तो सपोज करके यहाँ टू रिएक्टेंट हैं, तो उनको मैं कैसे ऐड करूँगा, प्लस का साइन लगा दूंगा उसके बीच में। और ये दोनों कहाँ पे हैं, एक एरो है यहाँ पे, ठीक है, इस एरो से, ये लेफ्ट साइड में है ना, एरो से कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, तो एरो से लेफ्ट साइड में जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं उन्हें, रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट साइड में होते हैं, जो कुछ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन करके आया है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख दी है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा हाँ, यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि ये वाइट फ्लेम के फॉर्म में जल रहा होता है। अभी जो यहाँ मैंने इक्वेशन लिखी है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी फिलहाल के लिए दो चार मिनट के लिए कुछ और सीखते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, अब जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम दो टाइप से स्टडी कर सकते हैं। दो टाइप से स्टडी कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करके एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करके आप किसी शॉप पे गए और आपके पास 100 रुपये थे, है ना, 100 रुपीज आपके पास थे, और आपने 100 के 100 रुपीज जो है स्पेंड करने, खर्च दे रहे हैं, आपने ऐसा सोचा। तो जब आप 100 के 100 रुपए खर्चने के लिए जाओगे तो दुकानदार क्या करने वाला है, दुकानदार आपको 100 रुपए का ही सामान देगा, राइट, है ना, तो 100 रुपए खर्च रहे हैं तो 100 रुपए का सामान भी मिलना चाहिए। तो जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स हैं, जब ये रिएक्शंस करते हैं तो इसका भी कुछ वेट होता है, इसका भी कुछ वेट होता है ना, डेफिनेटली। जब कोई रिएक्शन करने वाले हैं, कुछ ग्राम इसके हैं, कुछ ग्राम इसके हैं, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है उसका जो वेट होगा इन दोनों के वेट के लगभग इक्वल आना चाहिए, ठीक है, उसको क्या होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तब तो उस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बट अगर वो इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो उस रिएक्शन को या उस इक्वेशन को हम बोलते हैं
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन विच इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. यानी कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो उसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम बोलेंगे. तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के लिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है. देखिए यही एग्जांपल को मैं रिपीट कर रहा हूँ. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब देखो लेफ्ट साइड पे यानी कि रिएक्टेंट की साइड पे मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं, वन, एक ही है मैग्नीशियम, राइट. तो अब देखते हैं राइट साइड पे मैग्नीशियम कितने हैं, वन. दैट मीन्स मैग्नीशियम का तो सिस्टम ठीक चल रहा है. फिर हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, दो. और राइट साइड में देखते हैं ऑक्सीजन का एटम है वन, है ना, यहाँ पे तो वन ही है. तो जब ऐसा हो गया तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे तो ज़्यादा है, राइट साइड पे कम है. तो हमें इसको, अगर ये इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. तो इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो अगर मैं इसको बराबर कर दूँ, यानी कि ऑक्सीजन इधर भी दो है और इधर भी दो कर दूँ, तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगी और उस तरह की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, मैं यही भी कर देता हूँ. बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टू लगा देता हूँ. जब मैंने यहाँ पे टू लगाया तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन कितने हो गए, टू हो गए. बट जब मैंने यहाँ पे टू लगाया उससे मैग्नीशियम भी कितने हो गए, टू हो गए. बट मैग्नीशियम तो लेफ्ट साइड में एक ही था, तो मैं क्या करता हूँ, फिर यहाँ पे फिर से टू लगा देता हूँ. अब क्या हुआ, दो मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे, दो मैग्नीशियम राइट साइड पे, है ना, दो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे और दो ही ऑक्सीजन क्या है, राइट साइड पे. तो हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो पेपर में काफी बार आता है, वो यही है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन. तो हम केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. अब उसके लिए मैंने देखो कोई एग्जांपल लिख रखा है सामने आपके, वो एग्जांपल आपको दिख ही रहा होगा जो कि मैंने लिखा हुआ है, जिंक प्लस H2SO4, आपको दिख रहा है ना, जिंक प्लस H2SO4 क्या बन रहा है, ZnSO4. यानी कि ये तो जिंक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या हो गया, ZnSO4 प्लस H2. अब मुझे करना क्या है, मुझे इस केमिकल रिएक्शन को करना है बैलेंस. तो जब मुझे इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो मैं लिखता कैसे हूँ, देखो पेपर का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको पेपर में ऐसे लिखना है, ठीक है. तो आप क्या करोगे, एक तरफ लिख लोगे एलिमेंट्स. तो आपने देख लिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. तो आपने देखा यहाँ पे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपने लिख लिए. फिर आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड. अब आप देखो जिंक जो है लेफ्ट साइड में कितने हैं, वन है, वन है ना, और राइट साइड में भी कितना है, वन है, ओके. फिर आप देखो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे कितना है, H2, यानी कि टू है, और राइट साइड पे भी कितना है, टू है. तो यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू है. फिर आप देखो सल्फर, यहाँ पे एक है और राइट साइड में भी एक है. तो यहाँ लिखा वन, यहाँ लिखा वन. अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, फोर हैं, O4 रिएक्टेंट की साइड पे फोर है और प्रोडक्ट की साइड पे भी फोर है. इसका मतलब आप देखो यहाँ पे वन वन टू टू वन वन फोर फोर, एकदम सही से आपने इक्वेशन लिख दी है. तो इसका मतलब है ये पहले से ही क्या लिखी हुई थी, ये जो रिएक्शन लिखी हुई थी पहले से ही बैलेंस थी. तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन. अब आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2, और इसको कहा गया है कि आप इसको बैलेंस करो. तो आप इसको बैलेंस करने की ट्राई कर सकते हो, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है. अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, केमिकल प्रोसेस क्या होती है. अब हम पढ़ेंगे कि कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं. तो बहुत तरह की केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, उसमें सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो होती है उसकी जो टाइप है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या नाम है इसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन.
तो जब दो रिएक्टेंट कंबाइन कर जाएं और एक नया प्रोडक्ट बना दें, कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट्स रिएक्शन, जब दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएं, उस तरह की केमिकल रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एग्जांपल देख लो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कितने रिएक्टेंट हैं, दो. दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट बन गया जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जाम में बहुत बार आपको पूछा गया 1 मार्क में कि राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर स्लेक्ड लाइम, राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर क्विक लाइम. तो ये रिएक्शन में क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम दोनों लिखा है. तो जो ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी को हम बोलते हैं क्विक लाइम. इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से याद कर लो. क्विक लाइम क्या होता है, क्विक मतलब बहुत जल्दी, यानी कि छोटा. स्लेग्ड बड़ा, मतलब इसके अल्फाबेट ज्यादा है ना, तो इसलिए मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ. तो क्योंकि इसके अल्फाबेट बहुत ज्यादा है, तो ये है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CaO है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड. अभी इस प्रोसेस को, ये जो रिएक्शन आपने लिखी है, इस रिएक्शन से एक चीज और मैं आपको कराऊंगा, अभी इसको रब कर दूंगा, ठीक है. तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये नोट्स बहुत अच्छे से मैंने लिखे हैं, ठीक है, और ये आपके बहुत बढ़िया से काम में आने वाले हैं. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, ले लो. आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है. मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है. तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल और देख लो. सिंपल, C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर गए C+O2, तो बन गया CO2, राइट. अब आपने याद ये रखना है कि मैक्सिमम टाइम जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो जो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं, इस तरह की प्रोसेस में क्या होता है कि हीट निकलती है, मतलब कि कंटेनर गर्म हो जाता है. जैसे सपोज करके आपने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला, तो जिस कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड था और आपने उसमें वाटर डाला, वो कंटेनर ना गर्म हो जाएगा, ठीक है. तो क्योंकि केमिकल रिएक्शन चलते चलते कुछ हीट बाहर निकल रही है, हीट एग्जिट हो रही है, तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक. एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब टेम्परेचर. जिस रिएक्शन में टेम्परेचर बाहर की तरफ निकलता है, हीट बाहर की तरफ निकलती है, उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल तो आपके सामने यही है, CaO+H2O CaOH2, रिएक्शंस को बहुत अच्छे से स्टडी करना स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है. अच्छा, फिर पेपर में कई बार एक और क्वेश्चन आ गया है कि रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन. तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कैसी एक्सरसाइज है, कैसी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन है आपकी एक्सोथर्मिक, यानी कि जब भी रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हम सांस ले रहे होते हैं, तब कौन सी रिएक्शन चल रही होती है, तब रिएक्शन चल रही होती है आपकी एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही होती है भाई स्टूडेंट्स. अब एक्सोथर्मिक जो ये रिएक्शन है, तो होता क्या है, होता यह है कि हम जो खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके, हमारी बॉडी एक्टिव रहे, काम करती रहे. तो जब भी हमारी बॉडी को काम करना होता है, तो उसे चाहिए होती है एनर्जी. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है. तो जो भी हम खाना खाते हैं, हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि हमारे दांत हैं, हम खाने को चबा लेते हैं, बारीक बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है, आपको पता ही होगा, फिर आपके यहाँ पे एलिमेंट्री कनाल है, यहाँ से खाना होता होता नीचे की तरफ चला जाता है. तो जब वो स्टमक में पहुँचता है, जहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, उसके पास में रेस्पिरेशन प्रोसेस भी चल रही होती है. अब ये रेस्पिरेशन क्या है, देखो रेस्पिरेशन का मतलब है जो आपने खाना खाया वो कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, जब वो खाना अंदर डाइजेस्ट होने के लिए गया, तो वो कार्बोहाइड्रेट टूट गया,
और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा भी होगा अगर कोई बीमार आदमी है जो खाना नहीं खा सकता, उसको सीधा ही ग्लूकोज देते हैं, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी को मेहनत ना करनी पड़े, उसको सीधा ही आप ग्लूकोज देते हैं ताकि उसकी बॉडी सीधा ही डाइजेस्ट करे। सो रेस्पिरेशन या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है उसकी केमिकल रिएक्शन आपको याद रखनी है। सो ये रहा ग्लूकोज, C6H12O6 जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ग्लूकोज यानी कि हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन का मतलब तो यही है ना स्टूडेंट्स, तो जब हम सांस ले रहे हैं तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं और ये किस में कन्वर्ट होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होते हैं प्लस हीट, ठीक है, प्लस हीट, यानी कि इस प्रोसेस में क्या निकलता है, स्वेटिंग भी होता है, पसीना भी आ रहा होता है हमें, क्योंकि हीट निकल रही होती है। सो आई होप कि ये आपको समझ आ रहा है। अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखी है क्विक लाइम के लिए, इसका मैं एक पार्ट और करूँगा, मैं यहीं पे करने वाला हूँ इसका पार्ट, या मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है, सो वो रिएक्शन भी आप सीख लो। तो वो रिएक्शन है क्या एक्चुअल में, देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास जो ये क्विक लाइम है यानी कि CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये पानी के साथ जुड़ करके क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। अब जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि CaOH2, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमोस्फियर से, हमारे एटमोस्फियर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटमोस्फियर से ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इस रिएक्शन में वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब मैं अभी आपको इसका मतलब बताता हूँ, ये तो आपका हो गया स्लेक्ड लाइम, अब ये रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझो भाई, ये है स्लेक्ड लाइम, ये तो आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, ये है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब पत्थर, यानी कि मार्बल, जो आपके घरों में मार्बल लगता है वो यही कैल्शियम कार्बोनेट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को एक बार फिर से मैं बताता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड मिला और वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इस रिएक्शन में थोड़ी बहुत हीट भी रिलीज हुई थी, फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अब ये रिएक्शन में इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा हूँ, जोर क्यों दे रहा हूँ, अब समझो, जब आपके घरों में सफ़ेदी करी जाती है, वाइट वॉश करी जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये जो सफ़ेदी करने वाले होते हैं वो चूना लेकर के आते हैं, चूना, उसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं, इंग्लिश में क्विक लाइम कहते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो क्या करते हैं, एक बाल्टी में क्या करते हैं, चूना डालते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो क्या करते हैं, पानी मिक्स करते हैं, जैसे ही वो पानी उसके अंदर मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक वाइट कलर का जो है एक पानी की तरह लिक्विड होगा, ठीक है। अब आप क्या करते हो, वो पेंटर क्या करता है, उसी वाइट कलर के लिक्विड को पेंट ब्रश से क्या करता है, दीवार पे पेंट कर देता है। पर आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब वो दीवार पे पेंट करता है फर्स्ट टाइम में तो उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी गीला गीला सा है, कुछ आपको फील नहीं आ रहा, बट जब आप 3-4 दिन के बाद उसे देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि वही जो गीला गीला सा लग रहा था दीवार पे, वो एकदम शाइनी हो गया, वो एकदम वाइट कलर आ गया उसका, बढ़िया। तो वो कैसे आता है, वो ये प्रोसेस है, आपने क्या किया, आपने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला, स्लेक्ड लाइम बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट जैसे ही आपने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे आपने पेंट कर दिया, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप ये मत समझना कि जो दीवारों पे आपने पेंट किया वो पत्थर बन गया, नहीं, बट वो पत्थर बनने की इनिशियल स्टेज है, हमारे जो मार्बल्स होते हैं वो भी लगभग इसी प्रोसेस से बनते हैं, वो तो एक जस्ट लेयर है, बट वो लेयर भी बहुत सुंदर कैसे किस तरह की दिखती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमने क्या किया है, ये फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कर लिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इससे नेक्स्ट रिएक्शन भी अभी हम करेंगे। सो इससे नेक्स्ट रिएक्शन हम कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, 2-3 लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को डन डना डन डन फिनिश कर देंगे, यस। सो थैंक यू।
थैंक यू फ्रॉम माय साइड. अब इसे शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना चाहिए आप कर दो, ठीक है. सो थैंक यू सो मच.